स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 8 साइंस। इट्स फर्स्ट चैप्टर नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट्स अ पार्ट फिफ्थ। वी ऑलरेडी डिस्कस इट्स फोर्थ पार्ट इन प्रीवियस वीडियोस। सो लेट मी चेक व्हाट वी रीड इन दिस पार्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन। वी रीड अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल इन दिस पार्ट। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ द नाइट्रोजन साइकिल will in process. Okay, now first of all we read the process of converting free atmospheric nitrogen into soluble nitrogen compound or ammonia is called nitrogen fixation. It means nitrogen fixation एक ऐसी process है जिसमें free जो atmosphere में nitrogen free nitrogen है वो soluble nitrogen compounds में और ammonia में क्या हो जाती है, convert हो जाती है, change हो जाती है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई गई है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में, या नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, उस चीज प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाउ अगेन, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज लाइटनिंग एंड बाय इंडस्ट्रियल हाइबर प्रोसेस, बॉच प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी होती है और दूसरा नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी होती है, जैसे लाइटनिंग और इंडस्ट्रियल हैवर बॉच प्रोसेस। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बायोलॉजिकल तरह से हम बैक्टीरियाज और इन सबको यूज करके नाइट्रोजन को बनाते हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस होती है जैसे लाइटनिंग है और इंडस्ट्रियल हाइबर प्रोसेस है एक। ठीक है, हाइबर बॉश प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया और ये सॉल्युबल कंपाउंड बना पाते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर आर मेड बाय हाइबर बॉश प्रोसेस बाय फॉलिंग रिएक्शन। जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हाइबर बॉश प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसकी एक रिएक्शन है जैसे एन और थ्री एच टू, इट्स मीन्स नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों को हमने क्या करा, अमोनिया में चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए इसके लिए एक हाईली टेम्परेचर चाहिए होता है जो चेंज करती है। देखते हैं, दिस रिएक्शन इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर 4000 एटमोस्फेरिक। ठीक है, इस रिएक्शन को होने में कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए और 4000 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो पाई जाती है। नाउ बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आर नेम्ड एज डाइजोट्रोप। ठीक है, डाइजोट्रोप एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कैपेबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने में, जिसका नाम है डाइजोट्रोप्स। डाइजोट्रोप जो है एक बैक्टीरिया है, जैसे मैं अभी आपको बताया था बायो फिक्सेशन, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो यही बैक्टीरिया है डाइजोट्रोप। डाइजोट्रोप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैपेबल है, जो यूज किया जाता है इसमें। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। हाउ डज द नाइट्रोजन साइकिल अकर इन द एटमोसफियर। ओके, नाउ लेट मी सी। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है कि एसेंशियल मैटर है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। इट कंप्रेसेस अबाउट 78% ऑफ द एटमोसफियर। इसमें करीब 78% नाइट्रोजन जो है आपके एटमोसफियर में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि 21% आपकी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और 1% जो है वो आपकी अदर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लियर एसिड ETC। नाइट्रोजन जो है वो कुछ कंस्टिट्यूएंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जैसे प्रोटीन्स में, ठीक है, क्लोरोफिल में और न्यूक्लिक एसिड्स में। इनमें क्या होता है, ज्यादा पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड आपके जैसे DNA और RNA, आपके अंदर जो पाया जाता है DNA और RNA, ये डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइजोबियम, राइजोम न्यूक्लिक एसिड, ये आपके बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये भी नाइट्रोजन में भी जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। ओके, नाउ द एटमोस्फियर नाइट्रोजन हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट बिफोर इट कैन यूटिलाइज बाय द प्लांट एंड एनिमल। जो नाइट्रोजन है पहले क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे बनती है, देखिए, जो एटमोसफेयर एटमोसफेयर से नाइट्रोजन नहीं होती है वो फर्स्ट कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रोजन कंपोनेंट में। उसके बाद ये प्लांट्स और एनिमल में यूटिलाइजेशन होती है, जो यूटिल, ठीक है,
प्लांट और एनिमल के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। दिस इज डन बाई द सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल। ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ होता है उसकी वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज की वजह से, ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड आर देन टेकन अप बाई रूट ऑफ प्लांट एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, रूट्स उनको ले लेता है, रूट्स क्या करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर प्लांट की सिंथेसिस करता है, मतलब प्लांट में सिंथेसिस करता है, ग्रो करता है उसको, उसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। एनिमल जो है वो प्लांट्स को खा के अपने आप को नाइट्रोजन देते हैं, प्लांट्स हम लोग क्या करते हैं जैसे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खा के, प्लांट्स को खाते हैं, ईट करते हैं और देन वो क्या करते हैं अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई द बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इंटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो फंगी और बैक्टीरिया है ये भी इसमें प्रेजेंट, मतलब बहुत अहम रोल निभाते हैं। बैक्टीरिया और फंगी ये क्या काम करते हैं कि जो ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और फंगी, ये उस जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स हैं, उनको एक नाइट्रोजीनियस, उनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट पार्ट ऑफ देम इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसीलिए ये आपके नाइट्रोजन को मेंटेन करता है, को एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मेंटेन करता है। दिस नाइट्रोजन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या हो जाती है, फैल जाती है पूरे उसमें, मतलब मेंटेन करती है उस चीज को, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट साइकल्ड इन नेचर एंड इट्स लेवल रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये क्या होती है, साइकिल होती रहती है, चेंज होती रहती है नेचर में, ठीक है, बनती रहती है और फिर चेंज होती रहती है, मतलब एक तरह के साइकिल प्रोसेस, पूरी साइकिल प्रोसेस, नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स से एनिमल्स में, एनिमल्स के थ्रू फिर वो डेड, और जब हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो ये जो साइकिल है ये मेंटेन करती है किस चीज़ को मेंटेन करती है, नाइट्रोजन को, किसमें, एटमॉस्फेयर में। नाउ जैसे आप ये साइकिल देख सकते हैं, ये साइकिल है, ठीक है, ये क्या है, साइकिल है, एटमॉस्फेयर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है, किस तरह से आपको नाइट्रोजन गेट होती है और किस तरह से आप नाइट्रोजन जो है ले पाते हैं।